हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम कुछ नया पाठ करेंगे और मतलब आज हम नया मात्रा करेंगे। ये नया मात्रा क्या है तो देखिए मेरे हाथ में क्या है। ये है आ, ये है आ, इसे हम आ कहते हैं। ठीक है, देखिए दूर से दिख रहा है आपको और आ से हम आम पढ़ते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, ये है आ और ये है इसकी मात्रा। ये है आ और ये है इसकी मात्रा। मात्रा हमेशा व्यंजन के आगे लगेगी, व्यंजन की आगे लगेगी। ठीक है, तो बन जाएगा आ। आज हम आ के बारे में जानेंगे। आ आ आ आ से ये आम। तो जब हम ये आ के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम आ का उच्चारण करेंगे, मुंह खोल के उसका उच्चारण करेंगे, पूरा मुंह खोल के हम उच्चारण करेंगे। आ पा मा सा, इस तरह से उच्चारण करेंगे। अब ये किस तरह से इसका लिखावट है ये सब देख लेते हैं हम। तो देखें, क क व्यंजन के साथ आ की मात्रा लगेगी, उसका उच्चारण होगा का। जैसे कि मैंने कहा, आ की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद लगती है। ये देखिए हमने यहाँ लगाई है और उच्चारण हो गया उसका का। मुख खोल के कर रहा है। न के साथ आ की मात्रा लगेगी, साथ में हमने च लिखा तो बन गया नाच, 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 नाच। ना का उच्चारण क्या आया आपकी मात्रा के साथ ना। आगे देखते हैं अगला। ब के साथ हमने आपकी मात्रा लगाई, साथ में ब और ल, क्या हो गया बादल, बादल, बादल। आपका उच्चारण हमने सब जगह सही रखना है। ठीक है, जैसे इधर का नाच बादल। तो बच्चों, हम यहाँ आज जान रहे हैं आ की मात्रा के बारे में, तो कुछ नया शब्द भी देख लेते हैं और उसका उच्चारण, उसका वाचन किस तरह से करेंगे वे भी देख लेते हैं। ये आपके पाठ के अंतर्गत है जो हम कर रहे हैं। देखिए, आ के बारे में आपको दिया हुआ है पेज नंबर 19 पर। इसी के शब्द हमने यहाँ लिखे हैं, इसका पहले हम वाचन कर लें। तो शुरू करते हैं। कान, कान, कान। नाच, रात, हाथ। दाल, तारा। बाल, घास। नाम, बादल, पास। चावल, वाक्य अंदर ये ओके। काजल, आसमान, गाजर। तो बच्चों, आपने देखा जहां पर भी आपकी मात्रा लगी है, हमने उसकी आवाज को एकदम खुल के बोलना है, खोल के हम उसकी आवाज को, उसकी ध्वनि को निकालेंगे। आगे इस पन्ने पर पेज नंबर 19 में कुछ वाक्य है, उसे भी पढ़ लेते हैं। राजा आ, राजा आ। कागज ला, कागज ला। लाल कागज ला। अब नाम बना, अब नाम बना। नहीं चल, सॉरी, चल गई नाव, चल गई नाव, नाव चल गई। वाह भाई वाह। अब यहाँ पे हमने पाठ के बारे में हमने पढ़ा, इसके शब्द पढ़े और कुछ वाक्य पढ़े जो आ मात्रा के से बनी हुई है,
बच्चों आप इसका घर में वाचन करें जिससे कि आपको आसान लगे पढ़ना, ठीक है? तो आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।